अगला प्रश्न है, एक वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक दूसरा वर्ग बनाया गया है, जिसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर पुनः एक नया वर्ग बनाया गया है। यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई गई है। सभी वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है और वहां पर जो आंतरिक कोण बनते हैं वो 90 अंश का बनता है। तो माना कि ये चित्र में ए बी सी डी ये एक वर्ग है और प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे, दिया है वर्ग की एक भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10 × 10 लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इस तरीके से हमें 100 वर्ग सेंटीमीटर यह मिल जाएगा। अब ए बी का मध्य बिंदु ई, बी और सी का मध्य बिंदु एफ, सी और डी का मध्य बिंदु जी और डी और ए का मध्य बिंदु एच, तो इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं ई एफ जी और एच को, तो यहां पर भी एक वर्ग बनेगा। और यदि आप ए एच ई इस पर देखें तो ए से ई की दूरी 5 सेंटीमीटर, ए से एच की दूरी भी 5 सेंटीमीटर है, और चूंकि यह समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम एच से ई की दूरी निकाल सकते हैं, जो कि 5 वर्गमूल 2 इकाई होगी, 5 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर होगा। या फिर दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाने से बने वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर 10/2 × वर्गमूल 2। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, तो हम भुजा का वर्ग कर देंगे, तो ये 5√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसे हल करने पर हमें मिलेगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो अंदर में एक वर्ग बना है एच ई एफ जी, इन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर एक पुनः एक नया वर्ग बनेगा, तो इसे हम लिखेंगे कि पुनः 5√2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर 5√2/2 × वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। हल करने पर हमें मिलेगा 5 सेंटीमीटर। इसलिए इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा 5 का वर्ग अर्थात 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम सभी वर्गों का यदि क्षेत्रफल जोड़ें, तो पहला हमें मिला था 100 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा हमें मिला था 50 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा वर्ग हमें मिला था 25 सेंटीमीटर, तीसरा हमें मिला था 25 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस तरीके से ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, और इसका योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल a/(1 - r) होता है, उस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सभी वर्गों का क्षेत्रफल बराबर 100/1√1/2, हल करने पर आपको मिलेगा 200 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमें ज्ञात करना था। अब आगे प्रश्नों को हल करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसमें से पहला बिंदु है, यदि गुणोत्तर श्रेणी में कोई 3 राशियां लेनी हो तो उन्हें a/r, a r लेनी चाहिए। दूसरा बिंदु, यदि गुणोत्तर श्रेणी में कोई 4 राशियां लेनी हो तो उन्हें a/r3, a/r, ar और ar3 लेनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, यदि गुणोत्तर श्रेणी में कोई 5 राशियां लेनी हो तो a/r2, a/r, ar और ar2 लेना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न जहां पर इन बिंदुओं का उपयोग करके हम हल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर दिया गया है कि गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का गुणनफल 216 है तथा उनके वर्गों का योगफल 133 है। संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमागत या 3 या 4 क्रमागत पद कौन कौन से होते हैं, उसका उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले हमें लिखना होगा कि माना कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमागत पद
ए अपॉन आर ए और ए आर है। तो यहाँ से हम यह लिख सकते हैं कि इनका जो गुणनफल है यह 216 दिया गया है, अर्थात ए अपॉन आर इंटू ए इंटू ए आर इक्वल टू 216 यह दिया गया। ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए क्यूब इक्वल टू 216 और इसको हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब, यहाँ से हमें मिल जाएगा ए इक्वल टू 6। अब आगे दिया गया है कि उनके वर्गों का योगफल 133 है, अर्थात ए अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ये जो है ये 133 है। पूरे पदों से यदि हम ए स्क्वायर कॉमन लें तो ये आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 133। ए का मान 6 है, यहाँ पर मान रख देंगे तो 6 का वर्ग 36 और अंदर गुणा कर देते हैं तो ये मिल जाएगा 36 बटे आर का घात 2 धन 36 धन 36 आर का घात 2 बराबर 133। ये दो पद हैं जो कि आर से युक्त है, ये अचर पद है उसे पक्षांतर कर देते हैं तो ये 36 बटे आर का वर्ग और ये 36 आर का वर्ग, दोनों का जब लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो मिल जाएगा आर का वर्ग और ये 36 और ये 36 आर का घात 4 बराबर 133 ऋण 36। सरल करेंगे तो मिल जाएगा 97। आगे इसे सरल करेंगे, सरल करने के लिए हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं तो इस पद का गुणा इसके साथ होगा तो ये 36 धन 36 आर का घात 4 बराबर 97 आर का घात 2 या फिर 36 आर का घात 4 ऋण 97 आर का घात 2 धन 36 बराबर 0। ये एक वर्ग समीकरण है, सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो 36 आर का घात 4 ऋण 81 आर का घात 2 ऋण 16 आर का घात 2 धन 36, इस तरीके से हम मध्य पद को विभाजित कर सकते हैं। तो प्रथम दोनों पदों में यदि हम 9 आर का घात 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 4 आर का घात 2 ऋण 9, अंतिम दो पदों में यदि हम 4 कॉमन लें तो 4 आर का घात 2 और ये ऋण 9 ये आएगा। अब ये दोनों पद दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ ले सकते हैं, फिर ये इस तरीके से अगला पद मिलेगा, इसको इक्वल टू 0 करेंगे और इसको इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे पहले वाले पद को तो मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 9/4, यहाँ से मिलेगा आर इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, तो ये एक हल हो गया। या फिर इसे जब हल करेंगे आप तो मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 4/9, सॉल्व करने पर मिलेगा आर इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। तो हमें ए मिल चुका है, आर मिल चुका है, गुणोत्तर श्रेणी निकाल सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे अभीष्ट संख्याएं ए अपॉन आर, ए का मान है 6 और आर का मान यदि हम प्लस माइनस 3/2 लें, ये वाला मान लेकर के चल रहे हैं तो ये होगा फिर 6 और फिर 6 गुना प्लस माइनस 3/2 या फिर इसको लेकर के चल सकते हैं ए अपॉन आर, ए का मान है 6 और आर का मान है प्लस माइनस 2/3 फिर ये 6 या 6 और फिर ए आर, ए का मान है 6 और आर का मान है प्लस माइनस 2/3, इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा धन ऋण 4 और फिर ये 6 और धन ऋण 9 अथवा धन ऋण 9 और फिर ये 6 और धन ऋण 4। तो इससे हम लिख सकते हैं कि यदि इन दोनों को, इन दोनों से जो कॉमन कंक्लूजन निकाला जाए तो जो संख्याएं होंगी वो 4 6 9 होंगी या फिर ऋण 4 6 और ऋण 9 है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि गुणोत्तर श्रेणी की चार संख्याओं का योग 60 है, प्रथम और अंतिम संख्या का समांतर माध्य 18 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है गुणोत्तर श्रेणी की चार संख्याओं की,
तो हम लिख रहे हैं कि माना गुणोत्तर श्रेणी की चार संख्याएं ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब है। अब प्रश्न में जो कहा गया है कि इनका योगफल ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब ये 60 है, ये समीकरण एक। फिर कहा गया कि प्रथम और अंतिम संख्या मतलब ये और ये संख्या, तो इसका समांतर माध्य अर्थात दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, ये 18 है। हल करने पर मिलेगा a प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 36, समीकरण 2। तो ये a और ये ए आर क्यूब दोनों का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, तो समीकरण 1 से ये मान हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा 36 धन ए आर धन ए आर का वर्ग बराबर 60। या फिर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 60 और इसमें हम 36 को घटा देंगे, आपको मिल जाएगा 24। तो ये ए आर धन ए आर का वर्ग बराबर 24, ये समीकरण 3। समीकरण 2 भागित समीकरण 3 करेंगे तो हमें ए का मान जो है वो या ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए प्लस ए आर क्यूब अपॉन ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 36 अपॉन ए ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इसका मान है 24। सरल करने पर दोनों अंशों और हर से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आर क्यूब अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर, ये दोनों पद जो है या दोनों संख्याएं 12 से भाग जा सकती है, तो 12 3 36 और 12 दूनी 24, तिरक गुणा कर देंगे 1 प्लस आर क्यूब, तो 1 प्लस आर क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, और फिर ये अपॉन आर को यदि कॉमन लें तो 1 प्लस आर यहाँ पर होगा, ये 1 प्लस आर कैंसिल हो जाएगा। अब जो शेष पद बच गए इसका तिरक गुणा कर देते हैं, तो आर का 3 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 3 आर बराबर, ये 2 का इससे गुणा करेंगे मिल जाएगा 2 ऋण 2 आर धन 2 आर का वर्ग। पूरे पदों को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 आर का वर्ग और ये उधर जा करके ऋण 5 आर धन 2 बराबर 0। वर्ग समीकरण है आर में, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और सूत्र विधि से भी। ये 2 आर का वर्ग ऋण 4 आर ऋण आर और ये धन 2 बराबर 0। प्रथम दोनों पदों से यदि हम 2 आर को कॉमन लें तो आर ऋण 2 और फिर ऋण 1 को कॉमन लें तो आर ऋण 2 बराबर 0। तो आर ऋण 2 और फिर ये 2 आर ऋण 1 बराबर 0, यहाँ से दोनों पदों का अलग अलग 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आर इक्वल टू 2 या फिर 1/2। तो जब आर इक्वल टू 2 जो है इसे समीकरण 2 में रखेंगे, ये समीकरण 2 है, आर का मान इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा ए प्लस 8a इक्वल टू 36, इनको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 9a बराबर 36, तो यहाँ से मिल जाएगा a बराबर 4। और जब r बराबर 1/2 रखेंगे समीकरण 2 से तो हमें मिल जाएगा a धन a बटे 8 बराबर 36, सरल करने पर मिल जाएगा 9/8 और आगे सरल करने पर आपको मिल जाएगा a बराबर 32। तो a का मान मिल चुका है, r का मान मिल चुका है, तो अब हम लिखेंगे कि अभीष्ट संख्याएं जो हमें चाहिए है ये है 4 8 16 32 या फिर 32 16 8 और 4। गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिक मीन, यदि 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो मध्य पद को शेष 2 पदों का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर a और b का यदि गुणोत्तर माध्य g हो या फिर a g और b गुणोत्तर श्रेणी में हो
तो हम यह जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में जो पदानुपात होता है वह बराबर होता है। तो g अपॉन a इक्वल टू b अपॉन g। अब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा g इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए बी। दो राशियों के बीच n गुणोत्तर माध्य पद निवेश करना। तो हम यह पहले देखते हैं कि a और b ये दो संख्याएं हैं और इसके मध्य में हमें जी वन जी टू जी थ्री अप टू जी एन ये पदों को निवेश करना है, अर्थात कि ये जो श्रेणी हमें मिल रही है यह गुणोत्तर श्रेणी होनी चाहिए। और हमें क्या दिया गया है, ए और बी ये दो राशियाँ दी गई है। तो ए और बी ये दो संख्याएं हो गई और इसके बीच में हमें एन पद को निवेश करना है, अर्थात कुल मिलाकर एन प्लस टू पद होंगे। और चूंकि यह गुणोत्तर श्रेणी है तो बी जो होगा इस गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद होगा और कुल पदों की संख्या एन प्लस टू है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हम गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद के सूत्र का उपयोग करके लिख सकते हैं कि b इक्वल टू a इंटू आर का पावर n प्लस टू माइनस वन इक्वल टू a आर का पावर n प्लस वन। और आगे इसे सरल करें तो हमें मिलेगा r का पावर n प्लस वन इक्वल टू b अपॉन a, या फिर r इक्वल टू b अपॉन a का पावर वन अपॉन n प्लस वन। तो इस तरीके से हमें गुणोत्तर श्रेणी का सारवंतर मिल चुका है। अब g1, g2, g3 अप टू gn हम निकाल सकते हैं। g1 इक्वल टू होगा a इंटू आर और r का हमें मान जो मिला है उसको हम इस पर रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा g1 इक्वल टू a इंटू बी अपॉन a का पावर 1 अपॉन n प्लस वन। g2 मिलेगा a इंटू बी अपॉन a का पावर 2 अपॉन n प्लस वन। g3 मिलेगा a इंटू बी अपॉन a का पावर 3 अपॉन n प्लस वन। इस तरीके से आगे आप जी एन वाला पद भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी दो दिए गए राशियों के मध्य एन गुणोत्तर माध्य पद को निवेश कर सकते हैं। दो वास्तविक धनात्मक राशियों के समांतर माध्य गुणोत्तर और हरात्मक माध्यों के मध्य संबंध। माना कि वास्तविक धनात्मक राशियां ए और बी है, उनके बीच समांतर माध्य कैपिटल ए, गुणोत्तर माध्य कैपिटल जी तथा हरात्मक माध्य कैपिटल एच है। तब हम लिख सकते हैं कैपिटल ए बराबर ए धन बी बटे दो, कैपिटल जी बराबर वर्गमूल ए बी तथा कैपिटल एच बराबर दो ए बी बटे ए धन बी। यदि कैपिटल ए और कैपिटल एच का गुणा कर दें तो हमें मिलेगा कैपिटल ए इंटू कैपिटल एच बराबर ए प्लस बी अपॉन टू ए धन बी बटे दो गुना दो ए बी बटे ए धन बी। सरल करने पर हमें मिलेगा ए बी और ए बी जो है ये कैपिटल जी का वर्ग है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा कैपिटल ए इंटू कैपिटल जी बराबर कैपिटल जी का स्क्वायर, या फिर कैपिटल जी बराबर वर्गमूल कैपिटल ए इंटू कैपिटल एच। तो इसे हम शब्दों में कह सकते हैं कि दो वास्तविक धनात्मक राशियों का गुणोत्तर माध्य उनके समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। अब पुनः कैपिटल ए माइनस कैपिटल जी किया जाए तो हमें मिलेगा इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू माइनस स्क्वायर रूट ओवर ए बी इक्वल टू वन बाई टू इंटू ए प्लस बी माइनस टू स्क्वायर रूट ओवर ए बी। सरल करने पर आपको मिलेगा वन बाई टू इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी और होल स्क्वायर। तो आप ये देख पा रहे हैं कि चूंकि यह वर्ग है धनात्मक राशि मिलेगी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कैपिटल ए माइनस कैपिटल जी इज ग्रेटर देन जीरो और ये देगा कि कैपिटल ए इज ग्रेटर देन जी, अर्थात कैपिटल ए बड़ा होगा कैपिटल जी से, अर्थात दो राशियों का समांतर माध्य उन दो राशियों के गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या अधिक होता है। अब पुनः कैपिटल जी माइनस कैपिटल एच लिखा जाए तो हम लिखेंगे कि कैपिटल जी माइनस कैपिटल एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए बी माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए बी अपॉन ए प्लस बी एंड इंटू ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। और अगर सरल करें तो मिलेगा स्क्वायर रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू
स्क्वायर रूट ओवर ए माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी एंड देन होल स्क्वायर। तो यहां पर भी यह वर्ग है, तो इस तरीके से यह भी एक धनात्मक राशि है, अर्थात कैपिटल जी माइनस कैपिटल एच इज ग्रेटर देन जीरो, यह देगा कि कैपिटल जी इज ग्रेटर देन एच। तो इस तरीके से दूसरे और तीसरे संबंध से हमें मिल रहा है कि कैपिटल ए इज ग्रेटर देन कैपिटल जी एंड कैपिटल जी इज ग्रेटर देन कैपिटल एच। तो यह संबंध दर्शाता है। अब संख्याओं का हमें गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो पहली संख्या दी गई है कि 0.2 और 0.002 का गुणोत्तर माध्य हमें ज्ञात करना है। इंग्लिश में लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन, इसलिए ये GM ऐसा लिखते हैं। ये होता है वर्गमूल और दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये 0.2 और फिर 0.002 इसका हम गुणा करेंगे। सरल करने पर इसको 2/10 लिख सकते हैं और इसी तरीके से इसको 2/1000 लिख सकते हैं। सरल करने पर 2/100 जो है वो बाहर आएगा, ये प्लस माइनस में होगा। तो और आगे सरल करें तो इसको प्लस माइनस 0.02 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दी गई किसी भी दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 1/3 और 432 के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य पद निवेश कीजिए। तो इसके लिए हम यह मान करके चलेंगे कि माना अभीष्ट गुणोत्तर श्रेणी जो है ये है 1/3 और जो 3 पद निवेश करने हैं ये G1, G2 और G3 है और अंत में 432 है। अर्थात A का मान जो है 1/3 है, कुल पदों की संख्या 3 पद तो निवेश करने हैं और फर्स्ट और लास्ट मिलाकर के 3 और 2 5 पद, तो N बराबर 5। और 432 जो है ये पांचवा पद है। तो पांचवा पद क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का, AR का पावर 4, ये है 300, ये है 432। तो यहाँ से यदि हम A का मान यहाँ पर पुट कर दें तो 1/3 और AR का घात 4 बराबर 432। सरल करने पर R का घात 4 बराबर 432 × 3। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1296 और ये R का घात 4 है, इसे आप 6 का घात 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R का जो मान है ये प्लस माइनस इसलिए उपयोग कर रहे हैं कि माइनस का पावर 4 भी करेंगे तो आपको प्लस में ही संख्या मिलेगी और माइनस का पावर भी लेंगे 4 तो आपको प्लस में ही मिलेगा। तो इस वजह से हम R का मान प्लस माइनस 6 लिख रहे हैं। अब G1 जो होगा ये A × R होगा। A का मान है 1/3 और R का मान है प्लस माइनस 6, तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 2। G2 होगा ये AR² होगा, ये 1/3 इंटू प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 12। इसी तरीके से G3 जो होगा ये AR³ होगा, 1/3 इंटू प्लस माइनस 6³। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 72। तो हमें जो चाहिए था अभीष्ट गुणोत्तर माध्य पद, गुणोत्तर माध्य पद ये है 2, 12, 72 या फिर -2, -12 और -72। अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 40 तथा गुणोत्तर माध्य 32 हो तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो पहले हम दो संख्या ले लेंगे, ए या बी या फिर एक्स वाई, कोई भी आप दो चर राशि ले सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि माना वे संख्याएं ए और बी है। प्रश्नानुसार संख्याओं का समांतर माध्य A+B/2 ये 40 है। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा A+B=80। मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है और कहा गया है कि गुणोत्तर माध्य होता है √AB, जो दो संख्याएं दी गई है उसका हम वर्गमूल, ये 32। दोनों पक्षों का यदि वर्ग करेंगे
तो मिल जाएगा ए बी बराबर 1024। यहाँ से आप सॉल्व करके ए का मान निकाल सकते हैं, ए बराबर 1024 बटे बी। मान लेते हैं कि ये समीकरण दो है। समीकरण एक में यह मान हम रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1024 बटे बी धन बी बराबर 80। सरल करने पर 1024 धन बी का वर्ग, और ये जो बी है इसको इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा 80 बी। आगे यह वर्ग समीकरण है, बी के वर्ग में, बी में एक वर्ग समीकरण है, बी का घात दो ऋण 80 बी और धन 1024 इक्वल टू ज़ीरो। इसे मध्य पद में तोड़कर विभाजित कर सकते हैं, ये मिल जाएगा बी का वर्ग ऋण 64 बी ऋण 16 बी धन 1024 बराबर शून्य। तो प्रथम दोनों पदों से यदि हम बी को कॉमन लें तो मिल जाएगा बी ऋण 64, और 16 को यदि कॉमन लें तो बी ऋण 64 बराबर शून्य। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है बी ऋण 64 और बी ऋण 16 बराबर शून्य। सरल करने पर बी बराबर 64 मिलेगा और बी बराबर मिलेगा 16। तो ये जो मान है ए बराबर 124 बटे बी, इसमें रख देते हैं। तो जब बी बराबर 64 है तब ए बराबर 124 बटे 64 करने पर आपको मिल जाएगा 16, और जब बी बराबर 16 है तो ए बराबर 124 बटे 16 करने पर आपको मिल जाएगा 64। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अभीष्ट संख्याएं हो गया। ये एसी बंद करना है क्या? दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से दो अधिक है। संख्याओं का परस्पर अनुपात 4:1 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें पहले दो चर राशि लेना होगा और समीकरण बनाना होगा, और समीकरण को हल करेंगे तो हमें उनका मान मिल जाएगा। तो माना वे संख्याएं ए और बी है। आप कोई भी दो चर राशि ले सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं। अब पहले अब ये कहा गया कि इनका अनुपात, मतलब ए अनुपात बी जो है ये 4:1 का है। तो इसे यदि आप तिर्यक गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ए इक्वल टू 4b। मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है। अब ए और बी का पहले समांतर माध्य निकाल लेते हैं, अर्थमेटिक मीन, दोनों को जोड़ते हैं और दो से भाग देते हैं तो ये इसका समांतर माध्य है। गुणोत्तर माध्य, इसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। प्रश्न में क्या कहा गया है? समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से दो अधिक है। तो समांतर माध्य क्या है? ए प्लस बी बाई टू, और गुणोत्तर माध्य क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दो अधिक है। तो इस तरीके से ये बन चुका है। अब समीकरण एक में जो ए का मान 4b हमें मिल रहा है उसे हम यहाँ पर रख देते हैं दोनों तरफ, ताकि पूरा समीकरण जो है वो b में एक समीकरण आ जाए और उसको हल करके हमें b का मान मिल जाए। तो ये यहाँ से आप लिख सकते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से ए का मान हम 4b रख रहे हैं, 4b प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 4b इंटू बी प्लस टू। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4b प्लस बी 5b अपॉन टू इक्वल टू ये 4b स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। सॉल्व करने पर मिल जाएगा 2b और ये प्लस 2। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5b इक्वल टू 4b प्लस 4। 4b को पक्षांतर कर लेते हैं तो 5b माइनस 4b आएगा b इक्वल टू 4। तो b का मान हमें मिल चुका है। अब समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक से a इक्वल टू 4 इंटू 4,
दैट इज 16। तो जो संख्याएं चाहिए था ये है 4 और 16। तो अब लिखेंगे कि अभीष्ट संख्याएं 4 और 16 है। अगला प्रश्न है, यदि दो राशियों का समांतर माध्य कैपिटल ए और गुणोत्तर माध्य कैपिटल बी हो तो सिद्ध कीजिए कि वे राशियां ए प्लस स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न में भी हमें हल करने के लिए दो राशियां माननी पड़ेगी। तो माना वे राशियां ए और बी है जहां पर ए जो है वो बी से बड़ा है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, इनका समांतर माध्य कैपिटल ए है। तो समांतर माध्य ए प्लस बी अपॉन टू, ये कैपिटल ए है। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 2a। मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है। और गुणोत्तर माध्य कैपिटल बी है, तो गुणोत्तर माध्य होगा रूट ओवर ए बी, ये बी के बराबर है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो हमें मिल जाएगा ए बी बराबर बी का वर्ग, और ये समीकरण दो। अब ये ए प्लस बी में एक समीकरण, दूसरा ए इंटू बी में दूसरा समीकरण है। यदि हम ए माइनस बी निकाल लें तो बड़ा आसान हो जाएगा ए और बी का मान ज्ञात करना। तो हम ये सर्वसमी का जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी है 2a, और ये 2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 4ab, और ab है कैपिटल B स्क्वायर। तो यहाँ से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यदि मुझे a माइनस बी निकालना हो तो राइट हैंड साइड में मुझे स्क्वायर रूट लगाना होगा। तो 2a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, और ये माइनस 4b का स्क्वायर। आगे सॉल्व करने पर ये 4 और 4 दोनों टर्म पर है, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और आपको मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये समीकरण 3 है। समीकरण 1 और 3 को यदि जोड़ दें तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा 2a इक्वल टू 2a प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 और लेफ्ट साइड में भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां से हमें मिलेगा कि a इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट है जो हमें चाहिए था, एक संख्या हम सिद्ध कर चुके हैं। अब चलते हैं समीकरण 1 में 3 को घटा देते हैं। समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 3 है, माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये साइन प्लस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 2b इक्वल टू 2a माइनस स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2। तो यहाँ से ये 2 और लेफ्ट साइड में जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको मिलेगा b इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो संख्याएं हैं वो a प्लस स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। चलिए अब प्रश्न देखते हैं, यदि a b c गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन a प्लस बी, 1 अपॉन 2b और 1 अपॉन b प्लस c समांतर श्रेणी में होंगे। तो दिया गया है कि a b c जो है गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसलिए आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब ये कहा गया था कि 1 अपॉन a प्लस बी, 1 अपॉन 2b और 1 अपॉन b प्लस c ये समांतर श्रेणी में होंगे, हमें सिद्ध करना है। तो प्रथम पद और तृतीय पद को योग करेंगे और उसे 2 से भाग देंगे तो देखेंगे कि क्या ये मध्य पद के बराबर है। अगर है तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। तो चलिए 1 अपॉन ए प्लस बी
प्लस वन अपॉन बी प्लस सी, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो लघुतम समापवर्त आएगा ये दोनों का गुणनफल आएगा, और ये बी प्लस सी और ए प्लस बी। आगे 2b प्लस सी प्लस ए अपॉन, नीचे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं अर्थात गुणा करते हैं, तो ये मिल जाएगा a से b का गुणा ab, a से c का गुणा ac, b से b का गुणा b स्क्वायर और b से c का गुणा bc। तो यहाँ पर ये जो ac दिख रहा है ये b स्क्वायर के बराबर है, तो उसे हम रिप्लेस कर देते हैं। तो अंश में है a प्लस टू बी प्लस सी अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। आगे सॉल्व करने पर मिलेगा a प्लस टू बी प्लस सी अपॉन ए बी प्लस टू बी स्क्वायर प्लस बी सी। हर से हम b को कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस टू बी प्लस सी अपॉन बी ए प्लस 2b प्लस सी। अंश और हर में दोनों में समान पद है, कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आएगा। तो इसमें मैं 2 का गुणा कर सकता हूँ और 2 का भाग कर सकता हूँ। देखिए कि ये जो है ये 1 अपॉन 2b, ये मध्य पद है, और प्रथम पद और तृतीय पद अर्थात a 1 अपॉन a प्लस बी और 1 अपॉन b प्लस सी, इसको ऐड करने पर 2 गुना मध्य पद आ रहा है। तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं 1 अपॉन a प्लस बी, 1 अपॉन 2b और 1 अपॉन b प्लस सी, यह समांतर श्रेणी में है, यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, यदि x a z समांतर श्रेणी में है एवं x 2a और z गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमें सिद्ध करना है कि 1 अपॉन x, 1 अपॉन 4a और 1 अपॉन z यह समांतर श्रेणी में होंगे। तो पहले जो दिया गया है उसे सरल करते हैं। कहा गया है कि x a और z समांतर श्रेणी में है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि a जो होगा ये x और z को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा। मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। इसी प्रकार यह कहा गया कि x 2a और z गुणोत्तर श्रेणी में है। अब गुणोत्तर श्रेणी में है इसलिए मध्य पद का वर्ग 4a स्क्वायर शेष 2 पद x और z इसके गुणनफल के बराबर होगा। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। अब a का मान याद करने के लिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का हम भाग कर देते हैं, तो ये 4a स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन 2। सरल करने पर यहाँ से एक घात कम हो जाएगा, ये मिल जाएगा 4a इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक्स 4a और z हरात्मक श्रेणी में है, क्योंकि यदि a और b का जो हरात्मक माध्य होता है यह होता है 2ab अपॉन a प्लस अपॉन a प्लस b, तो a और b का जो हरात्मक माध्य होगा वो यह संख्या होती है। इसे यदि तुलना करें तो ये 2ab एक्स जेड और ये a प्लस बी एक्स प्लस जेड। तो इस तरीके से x और z और इसका जो मध्य पद होगा 4a होगा, यह हरात्मक श्रेणी में होगा। तो इसका मतलब ये कि इसका जो व्युत्क्रम होगा 1 अपॉन x, 1 अपॉन 4a और 1 अपॉन z, यह समांतर श्रेणी में है, और यही हमें सिद्ध करना था।